नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रेशर कुकर में बनने वाली सिंपल सी मसाला खिचड़ी बनाएंगे। तो देखिए, इसमें हमने जो सामग्री ली है, तो यहाँ पे हमने ये जो बासमती चावल लिया है, तो ये एक कटोरी लिया है, एक बड़ा टमाटर यहाँ पे हमने बारीक कट करके लिया है, दो बड़े प्याज लिए हमने, इसके लंबे लंबे स्लाइस कट कर लिए इस तरह से, और यहाँ पे थोड़े से मटर लिए है, और यहाँ पे जो थोड़ा सा फ्लावर लिया है, और जो तोंडली बोलते हैं वो तोंडली लिया है हमने। आप और भी इसमें जो हमारी सब्जी ऐड कर सकते हैं। और मैंने जो मसाले में लिया है, तो यहाँ पे जो 1/4 हमने टीस्पून काला मसाला लिया है, आधा चम्मच हमने लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी लिया है। आप अगर ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हो तो आप इसमें और मिर्ची ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक तेज पत्ता लिया है, और यहाँ और घी लेंगे हम, इसके साथ हम तेल भी लेंगे कुछ। सबसे पहले हम कुकर लेंगे और उसे थोड़ा गर्म कर लेंगे, और उसमें हम 2 चम्मच घी डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच घी लिया है, और उसमें थोड़ा सा आधा चम्मच जीरा और राई डाल दिया है, और उसमें हम एक तेज पानी भी डाल देंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने जीरा, राई और तेज पत्ता डाल दिया है इसमें। अब ये थोड़ा सा क्रैकल हो जाएगा, तब हम इसमें थोड़ा सा हींग डालेंगे। जब हमारा जीरा ब्राउन हो गया, तब हम इसमें थोड़ा सा हींग डाल देंगे। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे, और इसे अच्छे से थोड़ा सा ब्राउन होने तक इसे भूनेंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा खड़ा मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें नहीं डालूंगी, क्योंकि हमारे घर में इसे पसंद नहीं करते, तो मैं इसकी जगह मैं गरम मसाला यूज करूंगी। अब इसे हम थोड़ा ब्राउन होने तक इसे भूजेंगे। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, इसे भी थोड़ा अच्छे से चलाएंगे। इसके बाद हम मसाला डालेंगे, जो हमने मसाला लिया था उसे ऐड करेंगे। इसके बाद हमने जो सब्जियां ली है वो सब्जियां भी डाल देंगे इसमें। तीनों हमने सब अच्छे से पहले वॉश कर लिया है, बाद में हम इसमें डालेंगे। मसाले की खुशबू बहुत ही अच्छी से आ रही है। हम जो कटोरी से हमने चावल लिए थे, तो ये हमने एक कटोरी चावल लिए थे, तो दो कटोरी पानी लेंगे हम इसका, और इसमें डाल देंगे। अब जब इसको एक उबाल आ जाएगा, तब हम इसमें चावल डालेंगे। तब तक हम चावल को वॉश कर लेंगे। यहाँ पे हमने ये चावल को अच्छे से वॉश कर लेंगे। ये देखिए, हमारे पानी को उबल आ गया। अब हम इसमें चावल डाल देंगे। अब इसे हम चलाएंगे। अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। इसे हम ढक्कन से पैक कर लेंगे, और 3 सीटी आने तक इसे पका लेंगे। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब इसे ठंडा होने पे हम इसका ढक्कन खोलेंगे। अब इसकी सिटी की थोड़ी हवा हम निकाल देंगे, और बाद में हम ढक्कन खोलेंगे। ध्यान रहे, पहले हम जो इसके अंदर जो एयर टाइट है, तो इसे हम थोड़ा सा बाहर निकाल लेंगे, सिटी इस तरह से ऊपर उठा के, बाद में हम इसे खोलेंगे।
वाओ, देखिए कितनी अच्छी सी हमारी ये मसाला खिचड़ी बन गई है। तो मैं आपको यहाँ पे इसे थोड़ा उठा के बताऊँगी। ये देखिए इसके एक एक चावल एकदम खिले खिले बन गए। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए कितने मस्त बन गए हैं और इसकी खुशबू भी बढ़िया आ रही है। अब अगर इस टेक्निक से अगर ये खिचड़ी बनाएंगे तो झटपट से कुकर में बन जाएगी और इसका स्वाद भी लाजवाब है। देखिए ये देखिए इस तरह से हमारी झटपट से प्रेशर कुकर में बनने वाली मसाला खिचड़ी बन गई और इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।